गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। अब जैसे धान निकाल लिए हो और पराल पड़ी हो और उस पराल ने कोई कूट रहा हो, क्या वो बुद्धिमान हो सकता है? तो ये जितने भी आज तक हमारे धर्म गुरु थे, ये भूस कूटते थे और कणक का इन्हें पता नहीं था इसमें है कहाँ। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ये कहते हैं, गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञान। श्री देवी भागवत पुराण और छठे स्कंद में 414 पृष्ठ पे व्यास जी बता रहे, कह रहे हैं कि राजन, सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और वो दुर्गा की पूजा करते थे। खाक विद्वान थे वेद के। वेद में है कहीं दुर्गा की पूजा का प्रावधान, या गीता में है कहीं दुर्गा की पूजा का प्रावधान? तो पुण्यात्माओं, तो कहते हैं, एक ना भूला दो ना भूली, भूली सब संसारी, दास गरीब या चूक धरोधर, ये सब जगह ही चूक थी, कमजोरी थी, कमी थी, इनको ज्ञान नहीं था। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने 600 वर्ष का पहले कहा था कि तीनों देव की जो भक्ति करते हैं उनका मोक्ष नहीं होगा, और गीता जी ने क्या कहा कि इन तीनों भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तक जिनकी बुद्धि सीमित होगी, इनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। जब तो भगवान को अच्छा बुरा कहा करते थे, अब बोलो ना, वो धर्मगुरु 10 साल हो गए, दास ने ढिंढोरा पीट दिया, 15 साल 20 साल हो गए, और इसमें टीवी चैनल पर दे रखा है कि किसकी पूजा कराया करते, तुम किसकी पूजा कर रहे हो, तुमने जीवन नाश अपना भी किया, और इन भोले सरदारों को मिसगाइड करके इनके जीवन नाश करने के पाप के भागी और बन गए। अब सभी को सांप सूंघेगा। अगर दास गलत कर रहा तो बोलो क्यों ना, बोलने क्यों नहीं रहे? इसलिए ना बोल रहे कि आप शिक्षित हो गए ना, तो रामपाल के अड भी ना पाओ, ऐसा कर देते ये लोग, क्योंकि ये तो राक्षस से भी लिख रखा है, इसमें राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच, और ये करेंगे क्या फिर जो पूजा की कर रहे हैं? धर्म ग्रंथ बता रहे हैं इनका स्वभाव ऐसा हुआ हुआ है। अब स्वभाव भी बदल जाता है, डाकू होता है ज्ञान सुनने से वो नेक आदमी बन जाता है, शराबी होता है शराब पीता है ज्ञान सुनने से शराब छोड़कर भगत बन जाता है। तो इस ज्ञान से ये सभी सुधरना पड़ेगा। इन सभी धर्मगुरुओं को पता चल चुका है कि तुम्हारे पास खक नहीं, पर अब ये न्यो सोच रहे हैं कि अभी सब न पता नहीं चला है, और निम बढ़ दे जितने निम बहगी। एक पंडित जी था, वो काशी विद्यापीठ पढ़कर आया था, और किसी राजा ने कोई अनुष्ठान करने की बता दी किसी ब्राह्मण ने कि भी ऐसे ऐसे को धार्मिक अनुष्ठान कराओ। उसने वजीर की ड्यूटी लगा दी मंत्री की, मंत्री ने गांव में नगर में खोजा कि भी कोई विद्वान ब्राह्मण हो। एक ब्राह्मण का पता चला कि बहुत अच्छे विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, और जिसने उस राजा को बताया था कि तू कम से कम 4-5 ब्राह्मणों से अनुष्ठान करवाना। अब अन्य ब्राह्मणों की खोज भी की लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा था। इस कारण से ब्राह्मण आगे नहीं आ रहे थे कि जो काशी विद्यापीठ से पढ़कर आया है वो बहुत बड़ा विद्वान है, और हम तो जंतर मंतर करिए हैं, हमारी दाल उड़े गड़े नहीं, और कहीं राजा दंडित ना कर दे। और राजा ने क्या कर रखा था कि प्रतिदिन जो अनुष्ठान के लिए आएगा ब्राह्मण उसको प्रतिदिन एक अश्रफी, यानी आज का 10 ग्राम सोना, यानी 35,000 दिल्ली के उसको दक्षिणा मिलेगी। जो काशी विद्यापीठ पढ़ कर आया था ब्राह्मण उसको मिली अशर्फी, और उसने फिर लाया खाने पीने का सामान, अपनी पत्नी के बढ़िया गहने गुणे बनवा दिए, कपड़े अच्छे लाया, तो उसकी पंडितानी
दूसरे तीसरे दिन बढ़िया गहने और कपड़े पहन कर गई कुएं पर पानी लेने के लिए। अन्य ब्राह्मणियों ने पूछा कि ऐसा क्या हाथ लग गया तुम्हारे, इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े और गहने बनवा लिए कि मेरा पति राजा के यहाँ मंत्र करने जाता है, अनुष्ठान करने जाता है, एक अशर्फी डेली देता है राजा। तो एक और ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि आप भी जाया करो ऐसे ऐसे वहाँ पर, और राजा एक अशर्फी देता है, आप भी तो ब्राह्मण हो। वो कहने लगा कि मिश्राणी वो तो काशी विद्यापीठ पढ़ कर आया है जो वहाँ अनुष्ठान कर रहा है, और मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरी उड़े बात बने नहीं। तो फिर वो लगी कहने के लगी कि तू वैसे तो इतनी पढ़ताई दिखाता है, अब जहाँ पर अच्छा माल मिलता है तू वहाँ नहीं जाता है। वो अलग ही लड़न, उसने सोचा देखी जा गया तो कड़े यहाँ भी होगी, ना जाऊँगा तो दिक्कत होगी। तो लेकर पोथी वो भी पहुँच गया मंत्री जी के पास कि मंत्री जी मैं भी ब्राह्मण हूँ, आ जाओ जी बैठ जाओ। वो जो पहले वाला विद्वान बैठा था थोड़ी दूरी पर उसका आसन लगा दिया। अब वो पहले वाला तो अपनी संस्कृत जो उसने याद कर रखी थी वो बोल रहा था भूर भव स्व तत्सवितुर स्वाह, और वो दूसरा नौके जो यूं कह वो स्वाह, जो यूं कह वो स्वाह, मन 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 कह जो यूं कह वो स्वाह। फिर ऐसे वो दूसरी वाला भी पैसे लेकर गया, अशर्फी उसकी पत्नी ने भी खूब अपने कपड़े उपड़े सिमाए बढ़िया। तो तीसरी ब्राह्मणी को पता चला, उसने भी अपने पति को श्रृंगार दिया, वो भी चला गया। अब उसको भी आसन दे दिया तीसरे नंबर पर। पहले वाला बोलता संस्कृत भूर भव स्वाहा, दूसरा कहता जो यूं कहो स्वाहा, तीसरा कहता कब तक निभाएगी स्वाहा, कब तक निभाएगी स्वाहा, अग्या कब तक निभाएगी हमारी बकवाद। फिर चौथा भी पहुंच गया, चौथे का चौथे नंबर पर लगा दिया। अब पहले वाला तो अपनी संस्कृत बोलता है स्वाहा, दूसरा कहता जो जो बोलो वही स्वाहा, दूसरा कहता है कब तक निभाएगी स्वाहा, चौथा कहता है निमण दे जब तक निभाएगी स्वाहा, निमण दे जब तक निभाएगी स्वाहा, अग बोल पाटे जब तक पिटाएंगे पर इतने तक मिलन दे जो मिल है। तो इन धर्मगुरुआ गेलियाँ ऐसे बन रही है कि निम्बण दे जब तक निम्बेगी स्वाहा। फिर तो स्वाहा होना ही है क्योंकि सब सफाया होगा इनका, इनको कहीं छुपने को स्थान नहीं मिलेगा, इतने अनमोल जन्म के साथ ये खिलवाड़ कर रहे। या तो इनको पता नहीं था जब तक बात थी, दूसरी कि भी ज्ञान नहीं था, अब इनको ज्ञान है। एक मीडिया के अंदर चल रहा है और एक दिन से नहीं, दो दिन से नहीं, 20 वर्ष से आ रहा है। तो इनको ज्ञान हो गया कि हम झूठे हैं, हमारा ज्ञान झूठा है, और फिर भी नहीं मान रहे हैं। उसके लिए परमात्मा कहते जानबूझ साची तजय करे झूठ तने, और ताकि संगत है प्रभु सोपन में बिना दे। चलो गलती किस पे ना बनी, पता नहीं किन किन पे गलतियां, और जो सुधार लेता है फिर संभल जाता है वो तो इंसान होता है। जितने भी भक्त हैं और जितने भी वर्तमान के गुरु हैं, ये सभी पुण्यात्मा हैं, परमात्मा के लिए लगे। अब जो गुरुओं की तो मजबूरी बन गई कि इज्जत का नाश होगा, और वो भगत भोले भाले हैं, उन्होंने सोच रखा गुरु कंप्लीट है, वो वहां मार खा रहे। तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट का निर्णय भगत नहीं स्वयं कर सकते। किसी डॉक्टर की औषधि को डॉक्टरी बता सकता है, प्रमाणित कर रहा है कि इसमें ये साल्ट होना चाहिए था इस रोग के लिए, ये देखो यहाँ लिखा है, और ये साल्ट नहीं है तो ये औषधि गलत है। तो दास वही कर रहा है कि मोक्ष मार्ग के लिए इन मंत्रों की आवश्यकता है, ये हमारे ग्रंथों में लिखे, सूक्ष्म वेद में लिखे, और हमारे जो मोक्ष प्राप्त जो संत हुए हैं उन्होंने यही फार्मूले अपनाए थे। इसके अतिरिक्त जो भी आप प्रयोग कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, वो व्यर्थ है, उसको त्याग दो, इतनी सी बात है। अप्रसंग जो चल रहा है कि परमात्मा ने कहा था तीनों गुणों की जो भक्ति करते हैं उनका मोक्ष नहीं हो, तीनों भगवानों तीन देवताओं की, यही गीता प्रमाणित कर रही है, काल भी खुद कह रहा है।
फिर ये कहता है कि मेरी भक्ति तीन प्रकार के करते हैं। अब जैसे हमारे धर्मगुरु हमारे वेद कुछ कह रहे हैं और ये कुछ कह रहे हैं, गीता ज्ञानदाता जो है ये ब्रह्म है, इसको काल भी कहते हैं। इसको श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में सरपुरुष भी कहा है। ये खुद कहता है कि मेरी भक्ति चार प्रकार के करते हैं, यानी ब्रह्म साधना। ब्रह्म साधना में इन चारों वेदों में केवल ब्रह्म साधना ही लिखी है। ब्रह्म साधना यानी भक्ति तो ब्रह्म तक की है और ज्ञान पूर्ण परमात्मा का है। यहां ये ऋषि लोग यहां मार खा गए, इनको ज्ञान नहीं था, गुरु इनको मिले नहीं, कंप्लीट संत इनको पूर्ण संत मिले नहीं, जिस कारण से इन्होंने ओम नाम जो गीता ज्ञानदाता वेद ज्ञानदाता ब्रह्म का है सर्वपुरुष का है, इस मंत्र को इन्होंने कंप्लीट गॉड का मान लिया, पूर्ण परमात्मा का मान लिया गलती से। और परमात्मा कह रहे हैं गुरु बिन वेद पढ़ है जो प्राणी और समझ है ना सार रह ज्ञानी। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में कितना गजब का ज्ञान बता रखा है कि अर्जुन, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि जो परमात्मा ने स्वयं आकर अपने मुख कमल से जो अनुष्ठान यज्ञों की जानकारी विस्तार के साथ दी है उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं, उसको मैं नहीं जानता। और उसके अंदर कंप्लीट यानी विस्तार के साथ बताई गई है, उसको जानने के बाद फिर सभी कर्मों से तू मुक्त हो जाएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, यानी गीता ज्ञानदाता उससे अनभिज है। तू उसे अनभिज है तो वो पूर्ण मोक्ष हुआ कैसे? वो तो अपनी साधना बता रहा है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसरण ये प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गति। माम ब्रह्म यानि मुझ ब्रह्म का, ओम केवल यही एक अक्षर है, नथिंग एल्स। उच्चारण करके स्मरण करने का, उच्चारण करके स्मरण करता हुआ यह प्रयाति तदंदेहम जो शरीर छोड़कर जाता है यानी अंतिम सांस तक इसका जाप करता है सयाति परमाम गति। जो ओम से जो होने वाली प्राप्ति है वो परम गति हो जाती है। तो ओम जाप से ये ब्रह्म का जाप है तो ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म में आते हैं, पुनरावर्ती होती है, उनका फिर से जन्म मृत्यु बना रहेगा। और श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। मेरी उत्पत्ति को ये देवता नहीं जानते न ऋषि जानते क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए हैं। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता स्वयं नाशवान है तो और ये इसकी साधना किया हुआ ब्रह्म लोक में जाता है, ब्रह्म लोक में गए प्राणी फिर पुनरावृत्ति में होते हैं, ये पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, ये परम शांति नहीं हुई। कौन सी? जो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन को सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है, उस परमात्मा की कृपा से तुम परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, शाश्वत लोक में चला जाएगा। और श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है और केवल उसी की भक्ति करो और सब पूजाएं त्याग दो, अपनी साधना को भी छोड़ने को कह रहा है कि केवल उसकी भक्ति करो। अपनात्मा ये है श्रीमद् भगवद गीता का सार जो दास बता रहा है। अरे पहले 4 पंक्ति लिख देते थे अर्जुन तू क्या लाया है, तेरा क्या जाता है, आत्मा तो अजर अमर है, तू क्यों चिंता करता है, बस ये था गीता सार है। खाक था गीता सार, गीता सार तो आपके सामने आ रहा है, ये था वो गीता जी का सार।
अब जो प्रसंग चल रहा है कि अब ये जो ऋषि थे इनको गुरु नहीं मिला, और गुरु ना मिलने से इनका ये अकल आई नहीं कि तुम ये भी तुम्हारी समझ माना चाहिए कि जो वेद ज्ञान दाता ही ये गीता ज्ञान दाता है, और वेदों का सारांश श्रीमद्भगवद गीता है। तो वेद में यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में ये वेद ज्ञान दाता खुद कहता है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है। संभवात माने जन्म लेने वाला, जैसे अवतार रूप में राम और श्री कृष्ण आदि मानते हैं, और कोई इसको असंभवात कहता है कि जन्म लेता ही नहीं, वो अजन्मा है, अजरो अमर है, वो कभी प्रकट नहीं होता। लेकिन इसकी सही जानकारी तो तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो। तो इनकी अकल वहां नहीं गई कि ये क्या लिखा है, ये तो वेद ज्ञान दाता खुद कह रहा है कि वो तो कोई और बताएंगे, तत्वदर्शी संत बताएंगे। और यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र 15 में उसमें लिखा है कि वायु अनिलम अथितम भस्मांतम शरीरम, भस्मांतम शरीरम शरीर के अंत होने तक इस मंत्र का जाप करना है। कौन से का? ओम कर्तु समर किल्वे समर कर्तुम समर, ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरन करो, विशेष कसक के साथ श्रद्धा के साथ सिमरन करो, और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ओम का सिमरन करो। अब ये कह रहा है कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में तो इसने ये बता दिया, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के ही अंतिम मंत्र, और यजुर्वेद का अंतिम मंत्र है, ये अंतिम अध्याय है और 17वां अंतिम मंत्र है, श्लोक है। उसमें वेद ज्ञान दाता कहता है कि वो पूर्ण परमात्मा तो परोक्ष है, ऊपर है, वो तो गुप्त है, उसकी जानकारी मुझे भी नहीं है, और मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म लोक में रहता हूं, और मेरा ओम नाम है। तो इनका अकल में नहीं आई कि जब और परमात्मा है तो मंत्र करे ओम ब्रह्मकार, वो कहता कोई और भगवान है। उसके विषय में यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र 32 में कहा कि वो कौन है, उसी कसी, उसी कसी माने जो परम शांति दायक है, कबीर असी, वो कबीर अंगारी असी बंभारी असी, वो कबीर है, वो परमात्मा कबीर देव है जो पापों का नाश करने वाला है, और बंभारी अरि माने शत्रु, बंभर माने बंधन, यानी जो बंधनों का शत्रु है हम उसको बंदी छोड़ कहते हैं, और परमात्मा खुद भी कहते हैं बंदी छोड़ हमारा नामम अजर अमर है अस्थिर ठामम, अमर करूं सतलोक पठाऊं तात बंदी छोड़ कहां। और वेद स्पष्ट नाम लिख रहे हैं कि वो कबीर अंगारी असी पाप नाशक केवल कबीर देव है, और कोई पाप का नाश नहीं कर सकता किसी कोई भी देव, और बंभारी असी वही बंधनों का शत्रु है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 32 में, और रत धामा सवर ज्योति रत धामा असी। अब बताओ स्वर ज्योति माने स्वयं प्रकाशित है वो लोक, और उस रित धाम के अंदर परमात्मा रहते हैं सतलोक में। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26-27 से ही प्रमाणित है। 27 में लिखा है कि वो परमात्मा धूल लोक के तीसरे लोक में रहता, धूल लोक के यानी उस तेजो में स्वर ज्योति, जो स्वर ज्योति लोक है, स्वयं प्रकाशित जो स्थान है सतलोक है, उसके तीसरे पोर्शन में भगवान रहता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में भी लिखा है कि वो परमात्मा सभी लोकों के ऊपर के लोक में तिष्ठति वहां बैठा है, विराजमान है। और ये क्या करते, भगवान निराकार है, वो तो कण कण में विद्वान है, भगवान कहीं एक स्थान पर नहीं रहता। और वेद क्या बता रहे हैं, तो इनके विषय में कहा है कि मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंदरे, दिखत के तनेण चश्मिन के फिरा मोतिया बंदरे। किसी का सफेद मोतिया हो जाए या काला मोतिया हो जाए, उसकी आंख तो ऐसी दिखा करें गजब की, हकति ओके होगा, साफ होंगी, खूब दिखता होगा, स्वस्थ है, लेकिन उसको देखता कति नहीं। इसी प्रकार ये विद्वान और संस्कृत के माहिर दिखाई देते थे, पर इनको मोतिया बिंद था इस ज्ञान का, अज्ञान का मोतिया बिंद था,
दिखत के तो नैण तस्मिन का फिरा मोतिया बंदरे। और इसी भ्रम में हम रह गए कि न खूब दिखता होगा, उंगली पकड़ कर चल पड़े हमारी, आप भी गड्ढे में मर गए गिर के और हम भी डाल दिए सारे। तो अब इस मोतियाबिंद का ऑपरेशन, अज्ञान रूपी मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने की सेवा इस दास को प्राप्त हुई है। पूरा विश्व आओ और ये ऑपरेशन कराओ और ठीक मार्ग ग्रहण करो। अब जो प्रश्न चल रहा है कि वेद ज्ञान दाता कह रहा है कि मेरा तेको मंत्र है, गीता ज्ञान दाता खुद कहता हूं ओम इति का अक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण मुझ ब्रह्म का क्यों ले को मंत्र है। गीता अध्याय 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञान दाता ने कहा कि जो मेरी इन बातों पर विश्वास करके मेरे आश्रित हो जाता है तत्वदर्शी संत को खोज लेता है। उसके पश्चात कहते हैं जरा मरण मोक्षाय यतंतीते माम आश्रित है यतंतीते, जो मेरे इस ज्ञान को आश्रय करके तत्वदर्शी संत जिन्होंने खोज लिया वो केवल जरा और मरण के लिए ही, जरा माने वृद्धावस्था बुढ़ापे के दुख से बचने के लिए और मरण के यानी बार बार मृत्यु ना हो उसके लिए जो प्रयत्न करते हैं प्रयत्नशील हैं वो तत्ब्रह्म विदु, तत्ब्रह्म विदु कृष्णम अध्यात्म कर्मम च अखिलम, यानी वो पूरे उस तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं, तत्ब्रह्म से गीता ज्ञान दाता से अन्य वो ब्रह्म है, ब्रह्म माने भगवान होता है, उस अन्य भगवान से तत्ब्रह्म से और सारे यहाँ कर्मों से परिचित हैं और पूरे अध्यात्म मार्ग से परिचित हो चुके हैं। तो अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा कि भगवान वो फिर तत्ब्रह्म कौन है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञान दाता से कोई और है वो परम शक्ति। 8वें अध्याय के 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा और युद्ध भी करना पड़ेगा, यानी जो भक्ति है ये हठ योग नहीं करना, कहीं पर भी प्रमाणित नहीं है कि एक स्थान पर बैठकर आसन लगाकर हठ योग करते रहो, नहीं। जैसे सूक्ष्म वेद में भी ये बताया कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे नाम खाते नाम पीते नाम सीति लागवे, और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक मंत्र में स्पष्ट हो गया कि ओम कर्तु समर किलवे समर कर्तुम समर, ओम नाम का जाप काम करते करते स्मरण करो और विशेष कसक के साथ करो और अपना मूल कर्तव्य जान के काम भी करो भक्ति भी करो। यही 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कह रहा गीता ज्ञानदाता कि तू युद्ध भी कर और मेरा स्मरण कर। जब युद्ध जैसे कठिन भयंकर समय में भी भगवान को याद करना चाहिए तो हम तो सिंपल पीसफुल हैं, आप तो काम करते करते मालिक की भूल पड़नी नहीं चाहिए, काम भी करो अपना। इसलिए परमात्मा स्वयं आकर के एक दुल्हा की भूमिका किया करते थे कि काम भी कर रहा हूँ और भक्ति भी कर रहा हूँ, दिखा रहे थे करके, वो तो हमारे लिए एक उदाहरण दे रहे थे कि मोक्ष तो ऐसे होगा जंगल में जाकर वहाँ धूना लगा कर या किसी प्रकार खड़े बैठ कर, वो तरीका नहीं है मोक्ष का। सही भक्ति हो सही मंत्र हो अपना काम भी करो और मोक्ष प्राप्ति हो सकती है, लेकिन मंत्र कंप्लीट हो और गुरु पूरा हो। अब जो प्रसंग चल रहा है गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 5 और 7 में तो उसने अपनी भक्ति बता दी, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 तीन मंत्रों में उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति बताई है कि तत्वदर्शी संत बताओगा मैं नहीं जानता, उसका मंत्र बता दिया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविद समर्थ है। ब्रह्मणे माने उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति का, ओम तत्सत ये तीन मंत्र का जाप है और कोई मंत्र नहीं है। ओम तो ब्रह्म का है, ये तो सार्वजनिक रखा है इसने, और तत् और सत्य सांकेतिक है, ये कोड वर्ड है। जैसे बादाम का ऊपर एक कवर होता है उसके अंदर छिलका होता है और वो बादाम ही कहलाता है, लेकिन वो छिलका खाने का नहीं छिलके उसके अंदर है वो, तो ऐसे ही के अंदर ये कोड वर्डों में वो गिरी छुपा रखी थी, वो दास के अतिरिक्त इस विश्व में किसी के पास नहीं है, इसका भेद भी नहीं, किसी को छीट भी नहीं लगी किसी को। तो
तो उस परमात्मा के पाने का, सतलोक में जाने का, परम शांति प्राप्त करने का।